डिजी लॉकर गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट को कहीं पे भी जरूरत पड़ने पे आप अपने मोबाइल फोन को दिखा सकते हैं। तो आप अगर कहीं पे अपने गाड़ी को लेके जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी मांगती है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जो है आप अपने डिजी लॉकर में ही रख सकते हैं और उसी ऐप को दिखा सकते हैं और यह पूरी तरह से वैलिड है। आपको अगर कोई कहता है पुलिस की यह वैलिड नहीं है, तो आप उससे लिखित मांग सकते हैं कि आप लिखित में दीजिए कि यह वैलिड नहीं है। तो आप कैसे डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल करेंगे और डिजी लॉकर में आप अपने डीएल और आरसी को डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में मैं पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद से आप इसे ओपन करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे देखेंगे, आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है कि साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। साइन अप वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं और एक दूसरा आधार नंबर। तो आधार नंबर जो होगा सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि आधार नंबर से लिंक जितने भी आपके आईडी प्रूफ होंगे वो यहाँ पे चले आएंगे। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा, लेकिन आधार नंबर डालने पर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस पे OTP आएगा, जिसको डालने के पास से आप अपने आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। उसके बाद से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आधार कार्ड नंबर को डालने के बाद से। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल करके फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP डाल करके आगे करेंगे, आपको यहाँ पे एक पिन डिजिट सेट करना पड़ेगा जो कि 6 अंक का होगा। तो इसमें आप 6 अंक का कोई भी पिन बना सकते हैं, जो भी आप अपने ऐप को लॉगिन करेंगे तब आपको इसी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक पिन बना लेते हैं, क्योंकि बार बार आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इसी पिन को डालना पड़ेगा जो 6 अंक का होना चाहिए, और इस पिन को डालने के बाद से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि ऐप का इंटरफेस है। अब यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट्स में आपको एक चीज़ दिखा रहा है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट जो है आपका इशू है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आधार कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल जो है आपके सामने आधार कार्ड का खुल के आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लाना है और RC पेपर कैसे लाना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जिससे होगा क्या कि जब भी आप कभी पकड़े जाते हैं तो आपको अपने गाड़ी की कागज़ या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप ऊपर यहाँ 3 बार पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक अपलोड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आप 1 GB तक का डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। बट वह डॉक्यूमेंट जो है मान्य कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि वह इशूड डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। अगर आप इशूड डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर आप रखते हैं, तो वह हर जगह मान्य होता है, पासपोर्ट ऑफिस को छोड़ करके। तो एक बात आपको याद करना है कि आपको गेट इशूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और आपके आधार कार्ड से जब वह लिंक होगा डॉक्यूमेंट, तभी आपको यहाँ पे शो होगा। तो चलिए गेट इशूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं अपना पैन कार्ड सबसे पहले। तो हम इनकम टैक्स यहाँ पे सर्च करेंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल स्टेट आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है। और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है, तो आपको पैन नंबर डालना है, और उसके बाद से आपके पैन कार्ड पे क्या नाम है वो डालना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इशूड डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ऊपर इशूड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और आप देखेंगे कि पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैन का जो डिटेल होगा यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको कहीं पर पैन कार्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सीधे इसे भी दिखा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से वैलिड है। अब पीछे आते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको अपनी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर दिखाना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो डैशबोर्ड होता है, आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पे ही पहले आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, गेट योर डिजिटल व्हीकल RC। तो आप गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, और उसके बाद से गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अगर वह आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपको उसी इशूड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं गेट योर व्हीकल RC का। तो आपको नीचे यहाँ पे गेट योर डिजिटल व्हीकल RC का ऑप्शन मिलता है,
जिस पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर गाड़ी का डालना होता है, जो कि आपके आरसी पेपर जो होता है उसी पे चेसिस नंबर भी होता है। उसको डालने के बाद से गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यह डॉक्यूमेंट भी आपका इशू डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने आरसी और जो है आप उस गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस को आप अपने फ़ोन से ही दिखा सकते हैं, जो कि 100% वैलिड है। इसके अलावा आप अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, अगर आपने 2013 के बाद एग्ज़ाम दिया है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जाने के बाद से आप अपने फाइल से डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं, स्कैन कॉपी, जो कि अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसका आप यूज कर सके। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार अपने डॉक्यूमेंट को किसी फाइल में रखते हैं, वह करप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो 100% सेफ है और यह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है बनाया गया है। वैसे मैं आपको कहूँगा कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल DL और RC और आधार पैन कार्ड को यहाँ पे रखिए, जो कि आपके लिए बेटर होगा और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।